आप लोगों ने पूरी फिल्म देखी यहाँ पर, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने ये फिल्म पहले भी देखी हो। यहाँ देखिए आप लोगों ने, एक एक करके मुझे बताइए कि आप लोगों को सबसे पहले ये फिल्म कैसी लगी। किससे जानना चाहेंगे आप पहले? पहले तो राइटर से ही जानेंगे। यस, राइटर से। हाँ, कैसा लगा? चलिए सनी बोल रहा हूँ। मुझे अभी जब मैंने देखा तो इट्स लाइक कि मैंने फर्स्ट कट भी पहले देखा हुआ है और फाइनल कट भी देखा हुआ था, बट अभी मैंने देखा तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली बड़े स्क्रीन पे देखना। एंड बट यही है कि एक इनिशिएटिव है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने 100 out of 100 किया है या फिर मैंने कोशिश नहीं की थी। मैंने कोशिश 100% की है, हम सब पूरी टीम ने 100% कोशिश की है। फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग अ फर्स्ट टाइम, हो सकती है कुछ ऊपर नीचे रहा हो या कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट रिस्पेक्टिवली जो भी हमने देखा और आप लोगों का जो प्यार देखा मैंने, मैं क्योंकि मैं फिल्म से ज़्यादा मैं आप लोगों के रिएक्शन देख रहा था, सो इट वॉज लाइक दैट वॉज क्वाइट प्लेजेंट अबाउट द सिनेरियो, क्योंकि वो उसका मुझे बहुत टेंशन था। तो माना कि फिल्म देखने से ज़्यादा मुझे ये टेंशन हो रहा था कि आप लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे, तो जब आप लोगों ने तालियाँ बजाई लास्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्टिस्ट की वही बुक होती है जी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता था मैं कर नहीं पाऊँगी। जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो कैरेक्टर में इतनी सारी चेंजेस थी कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने जितना भी थोड़ा बहुत काम थिएटर से किया है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, पर मेरे डायरेक्टर अनिल सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने पूरी कोशिश की। अब आप लोग भी देखना आप लोगों को कैसे करके। हमें तो बहुत, मुझे बहुत अच्छी सी लगी कि ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी मेरी तो एक पूरी जर्नी वहाँ से तय हो रही थी। कभी मैं एम्पिरिसिज्म में जा रही थी, कभी आइडियलिज्म में जा रही थी, कभी मुझे जॉन पॉल सार्त्र याद आ रहे थे, कभी मुझे अपने लिखे हुए कुछ चंद अशआर याद आ रहे थे। जब मैं कहती हूँ कि हर इंसान के भीतर वो ये सोचता है कि कद का बौना ही समझता है सिकंदर खुद को, एक कतरा है समझता है समंदर खुद को, अपनी दुनिया में ख्वाहिशों से जो फारिग न हुआ, एक एक जुनूनी है समझता है कलंदर खुद को। तो हर इंसान की जो जर्नी है और मुझे लगा कि जो माइंड एंड बॉडी है वो दोनों का जो बैलेंसिंग है बहुत जरूरी है। और 21st century में हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं, बिल्कुल माइंड को भूल जाते हैं, और कभी कभी माइंड की तरफ बहुत ध्यान देते हैं बॉडी को बिल्कुल भूल जाते हैं, और हम सबके साथ ऐसा होता है। तो ये मूवी देखकर हर किसी को ये लगेगा कि मतलब योर सोमा एंड योर माइंड बोथ हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू बी इन परफेक्ट शेप बोथ ऑफ देम। इसलिए मुझे आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं अपनी जो थीसिस लिख रही हूँ वो सब्जेक्टिविटी पे है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के लिए आपने मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, क्योंकि हमारी जो सब्जेक्टिविटी है दैट इज लेयर्ड, और इन्होंने जिस तरह से मन को परत दर परत खोला है, एक राइटर की हैसियत से भी, एक एक्टर की हैसियत से भी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आगे के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और संजय भट्ट जी को अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज करना, उनको लोगों के सामने तक लेकर जाना, ये अपने आप में एक तरह का रेवोल्यूशन है आई थिंक। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, यू हैव डन वंडर्स। संजय भट्ट साहब, लोगों की तो पूरी फिल्म असल में रिलीज के बाद हाउसफुल होती है, आपका तो ये प्रीव्यू स्पेशल स्क्रीनिंग ही हाउसफुल था, हम लोग बाहर बैठे थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जगह नहीं हो पाई, तो मुबारकबाद हो सर, आपको मुबारक कहना चाहता हूँ कि भाई आधी लड़ाई जो है आपने यही जीत ली है। ये देखिए, जब ये फिल्म मेरे पास आई और जो अभी का है तो मैं बहुत शॉक था एक्चुअली इस पिक्चर को देखकर, क्योंकि जितने भी चैनल चल रहे हैं वो एक डिफरेंट काइंड का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। जब ये फिल्म आई तो बहुत अपडाउंस हुए, बहुत बार सोचा गया इसको कैसे रिलीज करें, क्या करें, क्योंकि एक OTT जो थॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका लोगों में, वो एक OTT को सिर्फ एक मोबाइल का ऐप समझते हैं, और काफ़ी कुछ जितने भी ऐप चल रहे हैं वो आप खुद समझते हैं उसमें कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्री ने भी कहा तो कुछ लीक से हटकर चीज़ दिखाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसको लोग पसंद करें
ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज जब आप लोगों को देखा तो बहुत अच्छा लगा और कोशिश करेंगे इस टाइप की नए नए मास्क खोलते रहें, ये कराते रहें। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि जब मैंने मीर को कहा तब ये तुरंत वहाँ से, इनकी शूटिंग थी और कश्मीर से तुरंत फ्लाइट पकड़ कर आए, अभी इनका बैग लगेज भी भर रखा हुआ है और सीधा एयरपोर्ट से आए हैं। तो मैं सबसे बड़ी खुशी इनकी हुई कि एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे फिल्म मेकर का रोल आपने देखा होगा और ये तो आप तो हर जगह इनको देखते हैं, सलमान खान के साथ भी देखा है, इनको आप हर जगह दिखाई देते हैं, तो इनको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।